तो मित्रों, राजा के समान श्रेष्ठ धनी परंतु कृपण और सुखों का अत्यंत भोग करने वाला एवं पवित्र रहने वाला ऐसा जातक होता है जिसकी जन्म कुंडली के नवे घर में गुरु बैठा होता है। अति धनवान, प्रसिद्धि प्राप्त, स्त्रियों को बहुत ही प्रिय एवं जीवन में मंत्री तक बन सकता है ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के नवे घर में गुरु बैठा होता है। धन एवं पुत्रों के सुख से युक्त होता है ऐसा जातक और सत्कर्म करने के लिए सदा ही उद्यत रहता है ऐसा जातक भाग्यवान, रूपवान एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत ही प्रिय होता है ऐसा जातक अपने आचरणों की वजह से। सत्कीर्ति से युक्त एवं ईश्वर का भक्त तथा राजा का भी प्रिय एवं बहुत बड़ा मंत्री अपने जीवन में ऐसा जातक बनता है जिसकी कुंडली के नवे घर में गुरु बैठा होता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाला, शास्त्रों में मन को विचारशील रखने वाला एवं व्रत उपवास आदि करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला ऐसा जातक देखा गया है। सत्कर्म करने वाले, लोगों की सेवा करने वाला, साधुओं की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। कुल मिलाकर ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक होता है, तीर्थ सेवक और वेद पाठी, ब्राह्मण या ब्रह्म को जानने वाला भी हो सकता है, तपस्वी और ज्ञानवान ऐसा जातक होता है, राजा के यहाँ मंत्री के रूप में भी ये जातक नियुक्त हो सकता है। ऐसा जातक कर्मकांड करने वाला भी हो सकता है, परमार्थी भी होता है ऐसा जातक और अत्यधिक कीर्ति से युक्त होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला, अपने कुल को बढ़ाने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातक माँ बाप की सेवा से अपने भाग्य को बहुत ही बढ़ा लेते हैं अपने जीवन में, तथा ज्यादातर देखा गया है कि जिसकी जन्म कुंडली के नवे घर में गुरु बैठा होता है वो अंतिम में जाते जाते चौथेपन आते आते अपने जीवन में साधु संत या संन्यासी भी बन जाता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और कुंडली में अगर कुछ समझ में ना आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, अगर कोई ना मिले तो आप फोन पर हमसे सलाह ले सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी बैठे हो, फोन के सहारे आप हमसे अपनी कुंडली के ऊपर सलाह दे सकते हैं।